सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। आपने पिछले पाठ्यांशों में यक्ष युधिष्ठिर संवाद संबंधित कुछ श्लोकों का अध्ययन किया। आपने जाना कि किस प्रकार से चार भाई जो मृत प्राय सरोवर के किनारे, उस सरोवर का जल पीने के कारण जिनके प्राण पखेरु चले गए, वहाँ पर स्थित हैं। और युधिष्ठिर जब जल पीने जाते हैं तो यक्ष उन्हें रोकता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो भाइयों के भी प्राण बचेंगे और तुम भी जल ग्रहण कर सकोगे और ले जा भी सकोगे। तो यक्ष उनसे जो जो प्रश्न पूछता है उनके उत्तर अपनी बुद्धिमत्ता से युधिष्ठिर प्रदान करते हैं। इस पाठ्यांश में हम उन सारे प्रश्नों को जानेंगे और उन सभी के उत्तर भी जानेंगे। और मूल रूप से यह सामाजिक विज्ञान आधारित पाठ है, तो उनके द्वारा क्या क्या शिक्षा मिलती है, मनुष्य को जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में क्या चिंतन करना चाहिए, ऐसे अनेक शिक्षाएं इन प्रश्नों के उत्तर को सुनते 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 मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। और शायद इसी कारण से भगवान वेद व्यास ने महाभारत में इस प्रकरण को जोड़ा होगा। यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तरों में पिपासा से ग्रसित युधिष्ठिर से यक्ष ने 34 बार प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने 124 बार में उनका उत्तर दिया है। यक्ष ने 27 बार एक एक श्लोक में चार चार प्रश्न किए, विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न किए हैं। कुछ विषय अत्यंत वैज्ञानिक हैं, कुछ विषय अत्यंत सामाजिक हैं, कुछ विषय अत्यंत रोचक हैं, कुछ शिक्षाप्रद हैं। इस प्रकार से 108 प्रश्न 27 बार पूछे हैं। एक श्लोक में 5 प्रश्न, कई बार 4 प्रश्न, कई बार एक एक प्रश्न भी पूछा है, कई बार किसी श्लोक में एक बार में 2 प्रश्न भी पूछे हैं। तो आइए इस पाठ्यांश में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यक्ष ने पूछे और उनके क्या क्या उत्तर युधिष्ठिर ने दिए और इन प्रश्नोत्तरों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 45 में वह यक्ष प्रश्न पूछता है और श्लोक संख्या 46 में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। प्रश्न है, सूर्य को उदित कौन करता है? पिछले पाठ्यांश में भी हमने पढ़ा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ब्रह्मा परमात्मा सूर्य को उदित करते हैं। यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य के चारों ओर कौन चलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देवता गण, विभिन्न ऊर्जाएं, विभिन्न शक्तियां प्राकृतिक जो इस जगत को चला रही हैं, वे चारों ओर सूर्य की चलती हैं। सूर्य को अस्त कौन करता है? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म, यह उसका धर्म है सूर्य का, जो उसे अस्त करता है, यह उसका कर्तव्य है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, गीला करना है, वायु का धर्म है चंचल होना, विचरण करना, बादल का धर्म है वर्षा करना, उसी प्रकार सूर्य का धर्म उसे अस्त करता है। और वह किसमें प्रतिष्ठित है, सूर्य कहाँ स्थित है इस जगत में, कैसे स्थित है वो? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह सत्य में प्रतिष्ठित है, जो शाश्वत सत्य है, सत्य का ही बल है जो कि उस सूर्य को ब्रह्मांड में स्थिर रखता है। फिर यक्ष ने श्लोक संख्या 47 में प्रश्न पूछे, श्लोक संख्या 48 में युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। चार प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, मनुष्य श्रोत्रिय कब होता है, किससे होता है वह श्रोत्रिय, कब कहलाता है वह श्रोत्रिय? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वेदाध्ययन से, क्योंकि वेद ही श्रुति है, उनके अध्ययन से ही मनुष्य श्रोत्रिय होता है। मनुष्य को महत पद कब प्राप्त होता है, महान कब बनता है, उसमें महानता कब उत्पन्न होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने तप से महान बनता है, वह महत पद को प्राप्त करता है। और वह मनुष्य किसके लिए द्वितीयवान होता है, द्वितीय चीज ऐसी है, द्वितीय विषय कौन सा है जिसे मनुष्य को धारण करना चाहिए तप के बाद? तो धर्म या धैर्य,
यह उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि धर्म को धारण करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए। और मनुष्य बुद्धिमान कब बनता है, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से, वृद्धों के सान्निध्य से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। जब उनका अनुभव वह जानता है, उनके जीवन का सार वह जानता है, तब मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ब्राह्मणों में देवत्व कैसे उत्पन्न होता है, यक्ष ने पूछा। तो ब्राह्मणों में देवत्व, ब्रह्मदेव उनको इसीलिए माना जाता है जब वे वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों का स्वाध्याय करना ही उनका ब्राह्मणत्व है। वचन प्राप्त होते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदः षडंगः अध्येतव्यः। बिना कारण ही ब्राह्मण को वेदों का और उसके षडंगों का अध्ययन करना ही चाहिए, तभी उसका ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मण में सत्पुरुषों वाला क्या धर्म है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि तप सत्पुरुषों का धर्म है। और उसमें मनुष्यों वाला क्या स्वभाव है ब्राह्मण में? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मरण, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मरण होने के कारण यह ज्ञात होता है कि उसमें मनुष्यत्व का भाव है। और यदि कोई व्यक्ति असत पुरुष है तो उसका क्या आचरण है जो उसे असत पुरुष बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाए, दुर्जन किसे माना जाए? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पर निंदा करने वाला व्यक्ति असत पुरुष होता है, वह दुर्जन होता है जो अन्य की निंदा करता है। आगे श्लोक 51 में पुनः यक्ष ने चार पूछे प्रश्न, और 52वें श्लोक में युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया। इस बार का प्रश्न क्षत्रियों से संबंधित है कि क्षत्रियों में देवत्व का भाव किससे जागता है, उनकी उत्कृष्टता किस में है, किस कार्य को करने से वह श्रेष्ठ बनते हैं? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया बाण विद्या, शस्त्र की विद्या, क्योंकि यही उनका कर्म है, उससे उनमें देवत्व जागता है। और क्षत्रियों में सत्पुरुषों के उचित धर्म क्या है, ऐसा क्या है जो सत्पुरुष बनाता है क्षत्रियों को? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया यज्ञों का संपादन करना, यज्ञ यागादि का संपादन करना, वह उनको सत्पुरुष बनाता है। क्षत्रियों को भी यज्ञ याग करवाते रहना चाहिए। और उनमें मनुष्य का भाव क्या है, किस भावना से वे मनुष्य है ऐसा प्रतीत हो? तो भय, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया भय उनमें मनुष्यत्व का भाव है। और उनमें असत पुरुषों का आचरण क्या है, क्षत्रिय को क्या नहीं करना चाहिए? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दुखियों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, तो उसका निवारण करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगर वह यह नहीं करता है तो वह उसका सत आचरण नहीं है, उसका अच्छा आचरण नहीं है, वह उसे असत पुरुष बनाता है। श्लोक संख्या 53 में पुनः चार प्रश्न यज्ञ से संबंधित, जो पिछले पाठ्यांश में भी हमने पढ़े। यक्ष चार प्रश्न पूछता है और 54वें श्लोक में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। प्रश्न है कौन एक वस्तु यज्ञ साम है, साम का मूल क्या है, साम? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राण ही यज्ञ साम है, संपूर्ण साम का मूल प्राण है। फिर प्रश्न पूछा यज्ञ यजु कौन है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन ही यज्ञ यजु है, मन ही उसका मूल स्रोत है यज्ञ का, मंत्रों का मूल भाव मन है। कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्णन करती है, यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एकमात्र ऋचा, जो ये वैदिक मंत्र है, वैदिक ऋचाएं हैं, वे यज्ञ का वर्णन करती हैं। यक्ष ने पूछा यज्ञ किसका अतिक्रमण नहीं करता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उन ऋचाओं का ही अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि वह यज्ञ ऋचाओं से बनता है, वे मंत्र ही यज्ञ के लिए, यज्ञ के संपादन के लिए मूल है, और कभी यज्ञ उन ऋचाओं का अतिक्रमण नहीं करता है। अग्रिम श्लोक संख्या 55 में चार प्रश्न किए यक्ष ने, और श्लोक संख्या 56 में उनके उत्तर दिए युधिष्ठिर ने, वे इस प्रकार हैं जो कि आपने पिछले पाठ्यांश में भी पढ़े। कृषकों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया वर्षा, कृषकों के लिए वर्षा ही सब कुछ है। जो बोने वाले हैं उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके लिए बीज, अच्छा बीज, वह श्रेष्ठ है। जो धनवान है, धनिक है, उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, उन्हें क्या करना चाहिए? गोपालन,
गायों का पालन, उनका पोषण, उनका संग्रह करना धनिकों के लिए श्रेष्ठ है, और संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पादन के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पुत्र होना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह पुम नामक नरक से व्यक्ति का त्राण करता है। श्लोक संख्या 57 में यक्ष ने प्रश्न किए कि जिनका कि आपने पिछले पाठ्यांश में भी अध्ययन किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त है, श्वास लेता है, बुद्धिमान है, जिसका सम्मान भी हो, लेकिन वह जीवित नहीं माना जाए। तो उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि जो देवताओं का, अतिथियों का, परिवार के जनों का, पितरों का और भृत्यों का, अपने सेवकों का पोषण नहीं करता है, उनका सम्मान आदर नहीं करता है, उनका पालन नहीं करता है, वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। अग्रिम श्लोक में यक्ष ने 4 प्रश्न किए और उनके उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिए। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? जैसा कि पिछले पाठ्यांश में भी पढ़ा कि पृथ्वी से भारी माता है। आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता है। यक्ष ने पूछा, वायु से भी तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। और तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंताएं। चिंताएं अनंत हैं, वो तिनकों से भी अधिक हैं और वो चिरंतन काल तक नित्य इस जगत में रहेगी। आगे यक्ष ने प्रश्न किया कि कौन प्राणी सोने पर आंखें नहीं मूंदता है? उसका उत्तर दिया, मछली। कौन उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता है, हिलता डुलता नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, अंडा। किस में हृदय नहीं है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्थर। पत्थर में हृदय नहीं है। कौन वेग से आगे बढ़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नदी। नदी वेग से आगे बढ़ती है। अग्रिम श्लोक में यक्ष ने पूछा, प्रवासी का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सहयात्रियों का समुदाय, जो साथ के लोग हैं वही उसके मित्र हैं। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसका मित्र कौन है? उत्तर दिया, पत्नी ही गृहस्थ का मित्र है। रोगी का मित्र कौन है? उसका उत्तर दिया कि वैद्य ही सबसे बड़ा मित्र है रोगी का। और मरणासन्न व्यक्ति का मित्र कौन है? तो उसका उत्तर दिया कि दान ही मरणासन्न व्यक्ति का मित्र है, उसका ही पुण्य व्यक्ति के साथ जाएगा। आगे पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? उसका उत्तर दिया कि अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है। सनातन धर्म क्या है? अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। अमृत क्या है? गौ का दुग्ध ही अमृत है। और यह जगत क्या है? वायु ही इस जगत में सभी जगह विद्यमान है, वायु ही जगत है। आगे पूछा यक्ष ने कि अकेला कौन विचरण करता है? उत्तर दिया कि सूर्य अकेला विचरण करता है। फिर प्रश्न किया कि उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? तो उत्तर दिया कि चंद्रमा, जो पुनः उत्पन्न होता है, पुनः अमावस्या में लुप्त हो जाता है, फिर पुनः उत्पन्न होता है। शीत की औषधि क्या है? यदि आपको ठंड लग रही है तो उसका क्या उपाय है? तो उत्तर दिया कि अग्नि, अग्नि ही शीत की औषधि है। महान आवपन क्षेत्र क्या है? वपन के लिए, खेती के लिए, बीज बोने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? तो उत्तर दिया कि पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी ही इस वपन का क्षेत्र है। धर्म का एकमात्र साधन क्या है? उत्तर दिया कि दक्षता धर्म का साधन है। यश प्राप्ति का उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि दान देना ही यश की प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। फिर प्रश्न किया कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या है? सत्य, सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, सुख का लाभ किससे होता है? उत्तर दिया कि सदाचार से ही सुख का लाभ प्राप्त होता है। और मनुष्य की आत्मा क्या है? तो उत्तर दिया कि पुत्र ही, संतति उसकी आत्मा है, और इसलिए पुत्र को आत्मज का कहा, पुत्री को आत्मजा कहा, क्योंकि वह आत्मा का ही स्वरूप है। देवकृत सखा कौन है? तो भगवान ने आपको सबसे बड़ा सखा, आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा सखा है।
जीवन का सहारा क्या है, उपजीवन क्या है इस जगत का? तो बताया मेघ, अगर वे वृष्टि नहीं करेंगे तो कोई अन्न नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा, कोई भोजन नहीं होगा। और इसका परम आश्रय क्या है? तो बताया दान। मेघ का सबसे बड़ा कार्य है दान करना। मेघ अपने आप को पूरा दान कर देता है, वृष्टि कर देता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? उसका उत्तर दिया दक्षता। और धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? तो शास्त्र ज्ञान, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। और सबसे बड़ा लाभ क्या है इस जीवन में? तो कहा आरोग्य, स्वस्थ व्यक्ति का ही सबसे बड़ा लाभ है, स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा लाभ है। उत्तम सुख क्या है? तो संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और लोक में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो दया का भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। नित्य फल प्रदान करने वाला धर्म क्या है? तो वेदोक्त जो धर्म है वही धर्म है, वही सत्फल प्रदान करने वाला है। किसको वश में रखने पर मनुष्य को शोक नहीं होता है? तो उसका उत्तर दिया कि यदि मन को वश में रख लिया जाए तो किसी को ना शोक लोभ कोई भाव नहीं होगा। किनके साथ हुई मित्रता नष्ट नहीं होती है? उत्तर दिया कि सज्जनों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है सभी का? कहा अभिमान का त्याग करने पर मनुष्य सभी का प्रिय हो सकता है। किसको त्याग करने पर मनुष्य को शोक नहीं होता? तो क्रोध को त्याग करने वाले व्यक्ति को शोक नहीं होता। और किसको त्याग करने पर व्यक्ति अर्थवान हो जाता है? तो काम को त्याग करने वाला व्यक्ति अर्थवान होता है। और किस चीज को त्याग करने से व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है? तो कहा लोभ को त्याग करने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दान किस लिए दिया जाता है? तो उत्तर दिया धर्म के लिए, उससे धर्म की प्राप्ति होती है। और जो नट और नर्तक होते हैं गान करने वालों को क्यों देते हैं? तो उत्तर दिया कि यश की प्राप्ति होती है उससे। और सेवकों को दान क्यों देते हैं? ताकि उनका भरण पोषण हो, यह उत्तर दिया। और राजाओं को दान क्यों देते हैं? राजाओं के भय के कारण उनको दान दिया जाता है, सटीक उत्तर दिया। जगत किस वस्तु से ढका है? उत्तर दिया अज्ञान से ढका है, माया पहित चैतन्यम। वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि संपूर्ण जगत माया से ही, अंधकार से ही, अज्ञान से ढका है। और जगत किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है? तो उत्तर दिया तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य मित्रों को क्यों त्याग देता है? तो मनुष्य मित्रों को उसके लोभ के कारण त्याग देता है। मनुष्य स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता है? उसकी आसक्ति के कारण। कोई मनुष्य मृत कब अपने आप को मानता है, कब अनुभव करता है कोई व्यक्ति अपने आप को मृत? तो जब वह दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। दरिद्रता भी मृत्यु के समान है। एक राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? तो जब कोई उसका राजा न हो तो वह राष्ट्र भी मर जाता है। श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है? तो यदि श्रोत्रिय ब्राह्मण न मिले श्राद्ध हेतु तो वह श्राद्ध निष्फल हो जाता है, मृत हो जाता है। यज्ञ कैसे नष्ट होता है? तो उत्तर दिया बिना दक्षिणा के। यदि यज्ञकर्ता ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाए तो वह यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। दिशा क्या है? तो उत्तर दिया सत्पुरुष ही दिशा है। जल क्या है? आकाश ही जल है। अन्न क्या है? पृथ्वी ही अन्न है। विष क्या है? प्रार्थना, कामना, इच्छाएं रखना ही विष है। श्राद्ध का समय क्या है? ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। जब ब्राह्मण उपलब्ध हो वही श्राद्ध का सर्वोत्तम समय है। तप का लक्षण क्या है? अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। दम किसे कहते हैं? मन की भावनाओं को, मन का दमन करना ही दम है। उत्तम क्षमा क्या है? सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों को, इत्यादि वातावरणों को सहन करना ही द्वंद्व है। और लज्जा क्या है? अकरणीय काम से दूर रहना, वही लज्जा है।
ज्ञान किसे कहते हैं? तो परम तत्व का यथार्थ बोध होना, ब्रह्म का ज्ञान होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और शम क्या है? चित्त की शांति होना ही शम है। दया किसका नाम है? सभी के सुख की इच्छा रखना, यही दया है। आर्जव सरलता किसे कहते हैं? तो समचित्त होना, प्रत्येक अवस्था में एक जैसा होना ही सरलता है। मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? तो उत्तर दिया कि क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। अनंत व्याधि क्या है जो कभी खत्म नहीं होती? तो लोभ ऐसी व्याधि है जो अनंत रहती है मनुष्य में। साधु कौन माना जाता है? तो उत्तर दिया कि सभी का जो हितेशी है वही साधु है। और असाधु किसे कहते हैं? जो दयाहीन हो, जो निर्दयी हो, वह व्यक्ति असाधु है। मोह किसे कहते हैं? तो धर्म मूढ़ता ही मोह है, धर्म से विमुख होना ही मोह है। और मान किसे कहते हैं? तो आत्माभिमान होना ही मान है। आलस्य क्या है? धर्म का पालन नहीं करना ही आलस्य है। शोक किसे कहते हैं? तो अज्ञान होना ही शोक है। स्थिरता किसे कहते हैं? तो अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। धैर्य क्या है? इंद्रियों का निग्रह करना ही धैर्य है। परम स्नान क्या है? तो मानसिक मलों का त्याग करना ही परम स्नान है। केवल शरीर को शुद्ध कर देना, नहा लेना स्नान नहीं है। मन के वैर को भी, मन के मलों को भी त्याग करना, यही स्नान है। दान किसे कहते हैं? प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। पंडित कौन है? जो धर्मज्ञ है, जो धर्म का पालन करता है, वही पंडित है। नास्तिक किसे कहते हैं? तो जो मूर्ख है वही नास्तिक है। और मूर्ख कौन है? जो नास्तिक है वही मूर्ख है। काम क्या है? उत्तर दिया कि वासनाएं, जन्म मरण रूप इस संसार का कारण, ये सारे भोग विलास, ये सब वासनाएं हैं। और मत्सर किसे कहते हैं? कहते हैं हृदय में जो ईर्ष्या भाव है, हृदय की अग्नि ही, ईर्ष्या अग्नि ही मत्सर है। अहंकार किसे कहते हैं? तो महान अज्ञान को ही अहंकार कहते हैं। दंभ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म का मिथ्या अभिमान होना ही व्यक्ति का दंभ है। और परम देव क्या है? परम पुण्य क्या है? तो उत्तर दिया कि दान का फल जो आपके साथ चलता रहेगा, आपके साथ विद्यमान रहेगा मृत्यु के बाद भी, वही परम देव फल है, वही परम देव है, परम पुण्य है। पैशुन्य कर्म क्या है? तो कहा कि चुगलखोरी करना, यह पैशुन्य कर्म है। और उसके उपरांत पूछा यक्ष ने कि धर्म अर्थ काम परस्पर विरोधी एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं? तो राजा युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मनुष्य के वश में होने पर धर्म अर्थ काम एक साथ एक स्थान पर भी रह सकते हैं। इन सभी का मनुष्य एक साथ पालन कर सकता है। और फिर जब यक्ष ने पूछा कि अक्षय नरक को कौन प्राप्त करता है, तो उसका उत्तर अत्यंत विस्तार से दिया युधिष्ठिर ने। उसके अनेक बिंदु बताए, कहा कि जो याचक ब्राह्मण को बुलाकर फिर दान देने से मना कर देता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, उनको नहीं मानता है, अश्रद्धा रखता है, उनका विरोध करता है, वह भी नरक को प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जो धन होते हुए भी ना उसका भोग करता है, ना दान करता है, अपने मन को धन के साथ में जोड़कर कृपणता के साथ में जीवन जीता है, वह भी अक्षय नरक को प्राप्त करता है, जो कभी दान नहीं करता है। आगे यक्ष ने पूछा, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र, इनमें ब्रह्मत्व क्या है इन तीनों में? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आचार, इनमें सदाचार ही ब्रह्मत्व का लक्षण है। आगे पूछा कि मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? तो उत्तर दिया कि सभी का प्रेम मिलता है। और सोच विचार करके कार्य करने वाले को क्या मिलता है?
तो उत्तर दिया कि उसे सफलता मिलती है अपने कार्य में, और जिसके अनेक मित्र हो उसको क्या लाभ मिलता है? तो उत्तर दिया कि उसे सुख मिलता है। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो उसे क्या लाभ मिलता है? तो उत्तर दिया कि उसकी सदगति होती है। आगे पूछा कि सुखी व्यक्ति कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो ऋणी नहीं है, जिस पे कोई ऋण नहीं है, और जो अपने घर से दूर नहीं है, परदेश में नहीं है, अपने मातृभूमि अपने क्षेत्र में रहता है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो ये इच्छा रख लेता है या फिर ये मान लेता है कि मैं सर्वदा जीवित रहने वाला हूँ, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि व्यक्ति जो जीवन जी रहे होते हैं वो इस प्रकार से जीवन जी रहे होते हैं जैसे कि वे कभी मरने वाले ही नहीं हैं। उनको यह भान ही नहीं रहता है कि यह जीवन भी समाप्त तो होगा, तो कुछ ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे कर्म करें जिनसे कि जीवन सार्थक हो। यह भूल जाना और सर्वथा जीवित रहने की इच्छा बना लेना ही आश्चर्य है। मार्ग क्या है? किस मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए? तो उत्तर दिया, महाजनो येन गतास्तव पन्था। जहाँ पर महापुरुष जन जिस मार्ग से गमन करते हैं, वे जैसा व्यवहार जिस परिस्थिति में करते हैं, वैसा करना ही मार्ग है, वही सतमार्ग है। और वार्ता क्या है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, काल के गाल में समा जाना, यही सबसे बड़ी वार्ता है और ये सबसे बड़ा सत्य है। पुरुष कौन है? पुण्य पुरुष कौन है? तो उत्तर दिया कि पुण्य कर्म जन्य कीर्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पुण्य पुरुष है। और अंत में प्रश्न किया यक्ष ने कि सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? कौन है जो सबसे धनी होता है? तो अत्यंत ही सुंदर उत्तर दिया, जो निष्प्रिय है, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं है, शांत चित्त है, जो सभी प्रकार के स्थितियों में शांत चित्त रहता है, सुप्रसन्न है, जिसका मन सर्वदा प्रसन्न रहता है, योग युक्त है, जो शरीर की रक्षा करने हेतु योग से युक्त रहता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, जो धर्म का साधन है, और द्वंद्वों में समान चित्त रखने वाला, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, दो विपरीत परिस्थितियां आने पर भी जिसका चित्त समान रहता है, वह धनी है। और ये सारे गुण आप युधिष्ठिर में देख सकते हैं कि चार भाई मृत पड़े हैं, आप प्यास से व्याकुल हैं, तथापि उन्होंने यक्ष का गुणगान किया कि इतने महान योद्धाओं को काल के गाल में समा देने वाले महावीर आप यक्ष, इस प्रकार से संबोधन किया। और इतनी विकट परिस्थिति में भी वो शांत चित्त होकर उस यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के उपरांत यक्ष ने उनको अभय वर प्रदान किया। यक्ष प्रसन्न हुआ, चारों भाइयों को जीवन दान दिया, वे पुनः जीवित हो उठे और सरोवर का जल सभी ने ग्रहण किया, सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से इन 124 प्रश्नों में यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए उनके द्वारा, महाभारत में महर्षि व्यास जी ने व्यक्ति को क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किस प्रकार से व्यवहार और जीवन जीना चाहिए, उसके अनेक सूत्र प्रदान किए। निश्चित रूप से आपको भी इन प्रश्नोत्तर संवादों में अनेक नए सूत्र प्राप्त हुए होंगे, एक उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, ऐसी आशा करके मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।